नमस्कार, मैं डॉक्टर विपिन बंसल, वास्तु कंसल्टेंट। आज मैं फिर आपको एक खास बात बताना चाहूँगा। खास बात क्या है? आपकी तिजोरी सही दिशा में रखी हुई है, वास्तुशास्त्र के अनुसार प्रॉपर दिशा में है, और फिर भी आपके यहाँ पैसा नहीं रुकता। पैसा बेवजह कहीं ना कहीं गलत जगह खर्च हो जाता है। आप इस पॉइंट को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो आप नोटिस कीजिए, जहाँ आपकी सेफ रखी है, जहाँ आपकी तिजोरी रखी है, वो तिजोरी, वो सेफ, या जहाँ आप पैसा रखते हैं, जो इस अलमारी में आप पैसा रखते हैं, वो साउथ वेस्ट में साउथ वॉल पर है या वेस्ट वॉल पर है। फिर भी उसमें पैसा नहीं रुक रहा, तो आप ध्यान दीजिएगा, जो आपकी अलमारी है, उस अलमारी के ऊपर यानी अलमारी के पल्ले पर दर्पण लगा हुआ है, तो मेरा अपना मानना है कि उस अलमारी में, उस सेफ में पैसा कभी भी नहीं रुकेगा। आपकी अलमारी, आपकी तिजोरी दरवाजे के सामने है, तो भी आपके यहां पैसा नहीं रुकेगा। टॉयलेट का दरवाज़ा आपके अलमारी को देखता है, तो भी आपके यहाँ पैसा रुकने के चांस नहीं बनेंगे। तो मेरी बात को आप नोटिस कीजिएगा, देखिएगा, सुनिएगा और समझिएगा। अगर आपको लगता है कि ये सारी चीज़ें सही है और फिर भी आपके यहाँ पैसा नहीं रुक रहा, तो आप अपने यहाँ पर जहाँ आपकी तिजोरी रखी हुई है, वहाँ से जब पैसे निकालते हैं, तो आपके कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ होता है, आपकी खिड़की खुली हुई होती है। यदि आप ऐसे पैसा निकालते हैं, तो आपके यहाँ जो पैसे आते हैं, उनके जाने के रास्ते बनते चले जाते हैं। जब भी दरवाजे को पैसा दिखता है, तो वो पैसा वहाँ से शिफ्ट हो जाता है। शिफ्ट होने का मतलब है कि बेवजह खर्च हो जाते हैं, कहीं ना कहीं वो पैसा आपका लगता चला जाता है। आपके यहाँ ऐसा हो रहा है, तो आप अपने यहाँ, चाहे आपने 10 रुपये अलमारी के अंदर, सेफ के अंदर रखने हैं, चाहे 10 रुपये निकालने हैं, दरवाजे हमेशा बंद होने चाहिए, उसके ऊपर पर्दा टाइट होना चाहिए। खिड़की है तो खिड़की के पल्लों को भी बंद करें और उसके ऊपर भी पर्दा टाइट करें, तब आप पैसे निकालें। रूम के अंदर आपने मिरर लगाया हुआ है, दर्पण लगाया हुआ है, तो उस दर्पण के ऊपर भी कर्टन डालें, पर्दा डालें। बड़े बुजुर्ग कहते हैं, पैसा हमेशा पर्दे के अंदर ही रखना चाहिए, पर्दे के अंदर ही निकालना चाहिए। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब भी आप पैसे रखें या निकालें, तो हमेशा पर्दे के अंदर ही होना चाहिए, खिड़की दरवाजे सब बंद होने चाहिए। पैसे रखने में और निकालने में कितना समय लगता है? 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, इससे ज़्यादा का तो कोई रोल होता ही नहीं है। आपने जब पैसे रखने हैं, तो पर्दे के अंदर रखें, निकालने हैं तो पर्दा करके निकालें। आपको इसका फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। मैं हमेशा ही वास्तुशास्त्र के साथ साथ अपने अनुभव की खास बातें अपनी हर एक वीडियो में बताता हूँ। मेरे द्वारा इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको लगता है सही है, तो आप मेरी इस वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड्स के फेसबुक ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप किसी और विषय पर वीडियो बनवाना चाहते हैं, तो आप यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में मैसेज ज़रूर लिखें, मैं कोशिश करूँगा कि आपके मैसेज पर वीडियो ज़रूर बनाऊँ। इसी तरह अगले प्रोग्राम में फिर एक नए विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।